لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي الصدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه وعاو وتمتعه فيها تبيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج ما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم

हम हर किसी को अपने इमाम के साथ उठाएंगे और जो अलैहि वसल्लम की हदीस है जो सारे शिया सुन्नी सोर्सेज में है मौजूद है किताबों में कि रसोल्ला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन माता वलम याफ इमाम जमान ही अगर कोई मर जाए बिना अपने ज़माने के इमाम की मारफत को जानते हुए माता मी ततन वो वजहालत की मौत मरता है इग्नोरेंस की मौत मरता है तब ये दोनों कुरान और हदीस से हमें क्लियर है कि अपने ज़माने के इमाम की मारफत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और ये एक पॉइंट भी जो है जो अमीर की विलायत में भी यूज़ हो सकता है कि अगर बीबी फातम ज़हरा सलाम हम सब जानते हैं कि सारे शिया सुन्नी सोर्सेज में याद तक कि सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है जो अहले सुन्नत की मोतबर किताब है के बीबी फातिमा फातिमाज़हरा सलामिल्ल को जिसने गुस्सा किया उसने जो है रसोल्ला को गुस्सा किया रसूल्ला की हदीस है फ़ातिमा बज़ातमनी वज़ानी फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और रसोल्ला को अजियत देना यानी अल्लाह के जो है अजाब से कोई बच नहीं सकता और सही बुखारी में ही मौजूद है कि सदा फ़ातिमाजहरा सलाम्हल पहले ख़लीफ़ा अबू बकर से जो है नाराज़ थी बुखारी की वेबसाइट पर मौजूद है अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर सैदम जहरा सलामल जो श्योर है कि जन्नत में है वो सैदत तो आलमीन है जन्नत उनके लिए जन्नत उनके लिए कुछ नहीं है उनके बेटे सैद श शबाब जन्ना है राइट उनके हस्बैंड अमीरमी कसीम अल नारे जन्ना है तो बीबी फ़ातिमत जहरा सलामिल अगर किसी से नाराज़ हैं तो उनका इमाम वक्त कौन था क्योंकि सैदा फातिमा के लिए अपने इमाम की मार्फत जानना जरूरी है तो जो भी सैदा फातिमा जहरा का इमाम होगा जिसे वो अपना इमाम बनती उसे हम इमाम मानते हैं राइट और उन्होंने किसका दिफा किया उन्होंने किसके किसकी इमामत को लोगों तक क्लियर किया वो थे अमीर इमाम अलीब अबी तलाम उसके बाद रसूल ने अमीर उमिनी के बाद के इमामों के बारे में भी जो है अपनी हदीसों में बयान किया कि अमीर उमिन इमाम अलीब ने अभी ताली पहले इमाम होंगे और उनके बाद जो है उनके ग्यारह जानशीन आएंगे तो रसोल्ला ने अपने ज़माने में सब क्लियर कर दिया था कि पहले इमाम कौन है दूसरे इमाम कौन है पाँचवें इमाम और यहाँ तक कि खुतब गदीर में अपने आखिरी हज के खुतबे में भी और कई जगहों पर रसोल्ला सल्ला वसलम ने

शिया इस्लाम में जो है जिन लोगों ने अमीराम इमाम अली आलीब्बन अबी अलैहिस्सलाम को अपना पहला इमाम माना और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को माना उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को माना उसके बाद भी कई लोग जो है मजहब हक की तरफ से जो है अलग होते गए जैसे चौथे इमाम इमाम अली इब्न अल हुसैन जैन अल आबिदीन अलाबीन वस्सलाम की इमामत पर लोगों ने शक किया कि जब चौथे इमाम जो है करबला से वापस आए तो लोगों ने कहा कि इमा, इमाम अमीर अमोमिन के बाद इमाम हसन थे इमाम हसन के बाद उनके भाई इमाम हुसैन इमाम हुसैन के बाद अब उनके भाई जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम होंगे तो इमाम सज्जाद जो है जनाब मोहम्मद इबन हनफिया के साथ काबा में गए हजर असवद जो पत्थर है खान काबा में लगा हुआ उससे कलाम किया उससे बात की कि जो भी उसे सलाम किया पहले जनाब मोहम्मद इबन हनफिया ने सलाम किया वहाँ से कोई जवाब ना आए लेकिन जब इमाम जैन हुसैन ने सलाम किया तो हजर असवद ने भी जवाब दिया और कहा और गवाही दी कि आप जो है इमाम वक्त है उसके बाद चौथे इमाम के जाने के बाद जनाब जैद इबन अली जो चौथे इमाम के फर्जन थे जनाब जैद जैद शहीद जिन्हें कहा जाता है वो जो है अपने वक्त के जालिम, अगेंस्ट उठे की जब उसने सैदा की, की तब जनाब जैद जो है उमैय खलीफा के खिलाफ जो है किया और शहीद हो गए और इमाम बासला जो है उनकी बहुत कदर करते थे उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्होंने जनाब जैद ने कभी भी इमामत का दावा नहीं किया बल्कि वो जो है इमाम मोहम्मद बाख़िर को अपना इमाम मानते थे लेकिन कुछ लोग जो आज तक मौजूद है उन्होंने कहा कि इमाम वही होता है जो खुरूज करे और उन्होंने जनाब जैद शहीद को जो है अपना इमाम माना और इमाम बाकर बासला को रिजेक्ट किया और वहाँ से जो जैदी सेक्ट जो होता है कुछ सादात है जो अपने आप को जैदी बुलाते वो नहीं वो तो मतलब जनाब जैद की आल से है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जैदी फिरके में बिलीव करते हैं जो पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर को इमाम न मानकर चौथे इमाम के बाद जनाब जैद और उसके बाद दूसरे लोगों को जो है अपना इमाम मानते हैं वो जैदी सेक्ट वहां से जो है अलग हो गया आज भी यमन में जो है खास करके जैदी शिया बहुत मौजूद है लेकिन वो पांचवें इमाम और उनके बाद के इमामों को नहीं मानते बल्कि जनाब जैद के बाद दूसरे इमामों को मानते हैं उसके बाद जो सातवें इमाम की इमामत में लोगों ने शक किया छठे इमाम इमाम जाफर सदक वाम के फरजंदों में से एक जनाब इस्माइल थे और एक जनाब इमाम मूसी काजिम जनाब इसमा अलैहिस्सलाम जो थे वो छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तो की ज़िंदगी में जी ही जो है इस दुनिया से जो है चले गए थे वो उनके बड़े बेटे थे लेकिन वो इमाम सादिक की जिंदगी में ही जो है इस दुनिया से चले गए थे और अगर न भी जाते तो भी अल्लाह जिसे अपॉइंट करता है वो इमाम बनता है न कि कोई भाई न कि कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है जिसे अल्लाह ने अपॉइंट किया वही जो है इमाम होते है। जनाब हैं जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत ही मुत्तकी बहुत ही परहेज़गार थे इमाम ज़ादे थे इमाम के भाई थे लेकिन वो छठे इमाम की ज़िंदगी में ही इस दुनिया से चले गए जन्नतलबकी में जो है वो दफन है और इमाम सादिक ने लोगों को यकीन भी दिलाया कि मेरे फ़र्जंद इस्माइल जो है इस दुनिया से जा चुके हैं लेकिन छठे इमाम इमाम जाफर सदकाम की इस दुनिया से जाने के बाद कुछ लोगों ने जबकि जनाब इसमाइल ने कभी भी इमामत का दावा नहीं किया था कुछ लोगों ने जनाब इस्माइल को जो है अपना इमाम माना और उनके बाद जो है अलग चेन हो गए जिन्हें आज इस्माइली कहा जाता है जो दाऊदी बोहरा है जो बोहरी कम्युनिटी है जो इस्माइली कम्युनिटी ये सब जो है सातवें इमाम इमाम मूसे काज को अपना इमाम नहीं मानते बल्कि वो जनाब इस्माइल को अपना इमाम मानते और वहाँ से जो है वो लाइन अलग हो गई और वो जो है सिस्टम उनका अलग हो गया और हम जो है अहिलव तसल्लाम के चाहने वाले जो है छठे इमाम के बाद सातवें इमाम हमारे इमाम मूसी काजम असलम को का मानते उसके बाद फिर आठवें इमाम की इमामत में भी लोगों ने शक किया कहा कि सातवें इमाम इमाम मूसी काजिम जो है वो खैबत में चले गए हैं वक्फ़ हो गए हैं और इमामत यहाँ वक्फ़ हो गई और हम आठवें इमाम को जो है अपना इमाम नहीं मानते और वह लोग वहाँ हो गए आज वाकफ़िया सेक्ट कहा जाता था उन्हें लेकिन वो आज मौजूद ज़्यादा नहीं है तो इस तरह आप देखते हैं कि किस तरह रसूल्ला के बाद अमीर की इमामत में लोगों ने शक किया चौथे इमाम की इमामत में लोगों ने शक किया सातवें इमाम की इमामत में लोगों ने शक किया पांचवें इमाम की इमामत में शक किया आठवें इमाम की इमामत में शक किया लेकिन रसूलुल्लाह की जो हदीस थी उस हिसाब से जो है हम हमारे ज़माने के इमाम को जो है पहचानते हैं और हमने जो है चौदह मासूमी की लेक्चर सीरीज़ जो माह रमज़ान में की थी उसमें हमने इन बारह इमामों की स्टोरीज़ को कवर किया अगर आप लोगों को रेफ़र करना हो आप लोगों उनकी इमामत के बारे में जानना उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना हो तो ऊपर लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है लास्ट माह रमजान की जो सीरीज थी उसमें जो है हमने हर इमाम की जो है लाइफ को कवर किया है आखिर में हमारे जमाने के इमाम वलियासर हजत खुदा इमाम फरजरीफ़ महमद महमद वजिल फरज की इमामत में भी कई लोग जो है शक करते हैं यकीनन रसूल्ला ने हदीस में कहा था मनमाता वलम याारफ इमामा ज़मा ही तो यकीन रसूल्ला का कौल सच्चा है तो यकीन कोई ना कोई है जो हमारा इमाम है जिसे हमें मानना है अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज़माने के इमाम की सही मारफत सही ज़माने के इमाम की सही मारफत को हासिल करें कि हमारे ज़माने के इमाम कौन हैं उन उनकी विलादत कब हुई थी उनकी जो है एज क्या है वगैरह तो वगैरह एक्सेट्रा तो हम उनके बारे में जाने उनके बारे में सीखें अब कुछ ऑब्जेक्शन है जो इमाम जमान अजल्ला शरीफ के बारे में उठते हैं जो लोग उठाते हैं और उनकी इमामत पे शक करते हैं सबसे पहला है हिडन बर्थ जो उनकी जो विलादत हुई थी बहुत छुप छुप के हुई थी तो लोग कहते हैं कि उनकी विलादत नहीं हुई या वो पैदा नहीं हुए या इमाम हसन अस्करी को नउूसब कोई औलाद नहीं थी अशफरल्ला जबकि इसके कई प्रूफ्स हैं कि इमाम हसन अस्करी शाबान 255 हिजरी को जब इमाम शरीफ की वालत हुई तब जो इमाम ने अकीका की जो सुन्नत है वो किया और सारे गरीबों में खाना बंटवाया ये बताने के लिए कि उनके घर विलादत हुई लेकिन वो ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि जो खलीफा वक्त था उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट में रखा था और उनप नजर कड़ी नजर थी कि कहीं जो है इमाम ज़ान की विलादत अगर खलफाओं को मालूम पड़ जाएगी तो वो जो है उनको कत्ल कर देते क्योंकि उन्होंने उन्हें रसोल्ला की हदीसियात थी कि मेरा जो बार बार जानशीन होगा वो 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 इस दुनिया से म ज़ोर को इस तरह ख़त्म कर देगा पीस एंड प्रोस्पेटी ले आएगा जितना वो झोर से भरी होगी तो उन्हें पता था कि अगर इमाम ज़बान आ गए इस दुनिया में तो उनका जो है रूल ख़त्म हो जाएगा इसीलिए वो चाहते थे कि इमाम ज़बान ख़त्म हो जाए इसीलिए दसवें इमाम से जो है उन्होंने जो है क्योंकि उन्हें पता था इमाम ज़मान आप कभी भी आ सकते हैं इसलिए दसवें इमाम और ग्यारहवें इमाम को उन्होंने हाउस अरेस्ट में रखा था लेकिन जब फ़िर के ज़माने में अल्लाह जिसे चाहता है वो उसे ज़िंदा रखता है जनाब मूसा की विलाजत भी हिडन हुई थी जनाब मूसा के टाइम पे भी नजूमियों ने जो स्टार्स को देख के बताते एस्ट्रॉलजर्स ने फिरौन को कहा था कि एक बच्चा भी पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरी जो है हुकूमत का तख्ता पलट कर देगा तो फिरौन ने बनी इसराइल की जितनी प्रेग्नेंट वुमेन थी उन पर नज़र रखवाई और जैसे ही बच्चा पैदा होता था अगर लड़का होता था तो उसे कत्ल कर देता था लेकिन जनाब मूसा की वालदा उनको जो है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं थी और जब जनाब मूसा की विलादत हुई अल्लाह ने उनको जो है कहा कि आप जो है उसे एक बॉक्स में डाल के जो है नदी में छोड़ दीजिए और हम आपको लौटा देंगे वापस फ़िरौन के दरबार में जो है जनाब मूसा की परवरिश चढ़ी और दूध पिलाने के लिए जनाब मूसा की मम्मी को ही अपॉइंट किया गया और फिर ऑन न जानते हुए चाहता था कि जनाब मूसा को कत्ल कर दे लेकिन अल्लाह का प्लान ये था कि जनाब मूसा नबी अल्लाह जो है वो पैदा हो और फिर ऑन के अगेंस्ट जाए तो अल्लाह अगर प्लान करता है तो अल्लाह के प्लान के सामने किसी के प्लान नहीं चलते तो उसी तरह जिस तरह जनाब मूसा की विलादत छुपी हुई थी जनाब इब्राहिम की विलादत छुपी हुई थी नमरूद ने भी उसी तरह जो है जुल्म किया था कि जनाब इब्राहिम की विलादत ना हो कि उसके नजूमियों ने भी कहा था लेकिन जनाब इब्राहिम की भी विलादत हुई छुपी तरीके से जनाब मूसा की विलादत हुई छुपी तरीके से तो जब हिस्ट्री में दो नबियों की दो उल अज़्म नबियों की विलादत इस तरह हुई तो क्या अल्लाह इमाम ज़मान की विलादत इस छुपी तरीके से नहीं कर सकता तो एक प्रूफ है कि छुपी तरीके से विलादत कोई बड़ी बात नहीं है सेकेंड जो डाउट इमाम के बारे में लोग करते हैं वो इतनी उनकी लंबी एज कैसी है इमाम की विलाजत कब हुई थी 255 हंड्रेड हिजरी में और अभी कौन सी चल रही है 1443 यानी इमाम की अभी एज क्या है 1187 थाउजेंड वन ईयर्स यानी शाबान में क्योंकि 1187 तो जब अभी 1443 का शाबान आएगा तब इमाम की एज वन हो जाएगी अब लोग कहते हैं कि एक हजार एक सौ साल एक हज़ार वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी सेवन इतनी एज लंबी किसकी होती कैसे पॉसिबल है सबसे पहला कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कि अला कुल इन अल्लाहन कदीर अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है अल्लाह हर चीज़ पर कंट्रोल रखता है कुरान मजीद की आयत सभी को पता है राइट तो अगर अल्लाह क्या अपने पावर से अपने नुमाइंदे को अपने रिप्रेजेंटेटिव को इतनी लंबी हयात नहीं दे सकता सेकेंड तारीख़ में हिस्ट्री में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लंबी लंबी हयात हुई है जनाब आदम की कितनी लंबी एज थी जनाब नू आम नाइन फिफ्टी ईयर्स तो खाली उन्होंने तब्लीग की नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी इयर्स उन्होंने खाली तबलीग की उन्होंने सिर्फ प्रीच किया और उनकी एज तो कितनी हज़ारों साल की थी जनाब खज आज तक जो है हयात है अल्लाह के जो है कुछ नबी जो है जन्नत में जो है आज तक जिंदा है जैसे जनाब खजर है जनाब ईसा है जनाब ईसा जनाब ईसा की विलाजत कब हुई थी जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था राइट जो इंग्लिश कैलेंडर हमारा है आज क्या क्या कौन सा ईयर चल रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो एटलीस्ट दो हजार साल तो हो गए जनाब ईसा को राइट हमारा यकीन है अल्लाह ने जनाब ईसा को जन्नत में उठा लिया था और सारे मुसलमानों का ये यकीन है कि अल्लाह ने जनाब ईसा को जन्नत में ऊपर उठा लिया था राइट तो जो अल्लाह जनाब ईसा को टू थाउजेंड रख सकता आज भी जनाब ईसा जिंदा है जन्नत में है तो क्या अल्लाह जिस तरह जनाब ईसा को जिंदा रह सकता है उस तरह क्या अल्लाह जो है अपनी हजत को अपने जमाने के इमाम को जो है जिंदा नहीं रख सकता वो तो वन थाउजेंड ई हाफ है ये 1187 इयर्स ईयर्स राइट तो ये सेकंड प्रूफ है और एक और प्रूफ शैतान शैतान कब से जनाब आदम की खिलकत से पहले जनाब आदम के क्रिएशन से पहले कुरान मजीद में प्रूफ मौजूद है कि शैतान था और तब से शैतान आज तक है तो अल्लाह जब अपने दुश्मन की एज को इतना बड़ा दे सकता है एक शैतान की एज को इतना बड़ा कर सकता है तो क्या अल्लाह अपने नुमाइंदे को एक लंबी एज नहीं दे सकता बिल्कुल दे सकता है उसके बाद नेक्स्ट जो उन पर डाउट आता है इमाम जमान पे वो है कि वो दिखाई क्यों नहीं देते वो गैबत में क्यों है जो मुसलमान इमाम जमान फ़रज़हुश शरीफ की इमामत पर सिर्फ इसीलिए शक करते कि वो दिखाई नहीं देते तो उनसे सवाल है कि आप अल्लाह को देख सकते हैं क्या अल्लाह दिखाई देता है नहीं ओके okay. क्या शैतान दिखाई देता है नहीं जब आप उस अल्लाह में ईमान रखते हो कि जिसने जो है कि तुमको खल किया लेकिन दिखाई नहीं देता आप उस शैतान में भी मानते हो कि हाँ शैतान है जो है गुना करवाता है कि जो दिखाई नहीं देता आप जब रसोल्ला वसल्लम पर ईमान लाते हो चौदह सौ साल बाद भी जबकि आपने उनको नहीं देखा राइट आप सारे नबियों पर अगर किसी ने एक एक लाख चौबीस हज़ार नबी में से एक नबी पर भी शक किया तो वो जो है मुसलमान नहीं रहता एक लाख चौबीस हजार आए थे ये यकीन हमें रखना है तो सारे मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि एक लाख चौबीस हज़ार आपने देखा कोई नबी आया नहीं लेकिन आप ईमान रखते हो क्यों क्योंकि दीन इस्लाम में जो है रसूल हमें कह कर गए कि एक लाख चौबीस हज़ार नबी हमने मान लिया राइट तो जब हमने न रसूल को देखा न अल्लाह को देखा न शैतान को देखा लेकिन हम सब में ईमान रखते हैं तो ज़माने के इमाम अगर ग़ैबत में हैं और ग़ैबत में क्यों है ग्यारह इमामों को अल्लाह ने भेजा लोगों ने सबको शहीद कर दिया तो अल्लाह ने कहा मेरी आखिरी हजत को अब मैं बचा कर रखूँगा और एक ऐसे टाइम पर भेजूँगा कि जब दुनिया में जुल्म ज़ोर फैला रहेगा और वो आएगा और दुनिया में जो है अदल कायम करेगा अल्लाह की हुकूमत कायम करेगा और यही इमाम ज़माना अजल्ला तरजहुल्शरीफ़ का गोल है कि इमाम के इम गैबत में अब लोग कहते हैं कि भाई गैबत में रहकर किस तरह जो है इमाम हिदायत करते हैं हम क्या हमने कहा ना कि भाई इमाम हिदायत के लिए ज़रूरी है तो भाई इमाम तो गैबत में हिदायत कैसे होगी तो हदीसों में मौजूद है कि गैबत में इमाम उसी तरह लोगों की हिदायत करता है जिस तरह बादलों के पीछे सूरज भले सूरज है आज रेनी सीजन चल रहा है राइट सन है सन के आगे जो है क्लाउड्स आ जा जाते हैं सूरज के आगे बादल आ जाते तो क्या अंधेरा हो जाता है पूरा एकदम कुछ नहीं दिखता नहीं भले सूरज सन जो है क्लाउड्स के पीछे है बादलों के पीछे लेकिन फिर भी हमें जो है दिन और रात का डिफरेंस पता चलता है तो जिस तरह एक सन एक सूरज क्लाउड्स के पीछे रहकर लाइट दे सकता है उसी तरह एक इमाम गैबत में रहकर हिदायत देते हैं और इस हिदायत का सबसे बड़ा प्रूफ है जो हमारे महराज कराम है अब क्योंकि इमाम कि़ैबत शबरा गबरा हमने जो है माहिर रमज़ान सीरीज़ में डिस्कस किया है हम क्योंकि टाइम यहाँ नहीं हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते तो इमाम ज़मान जलल्ला तरज शरीफ की जो गैबत कुबरा है अभी भाई इमाम का कोई डायरेक्ट रिप्रजेंटेटिव नहीं है तो हम जो है कैसे हिदायत हासिल करें तो इमाम ने कहा कि उन लोगों से रेफ़र करो जो हमारी हदीसों और क़ुरान की आयतों आयतें जो है तुम्हें सुनाएं और ये हमारे मज़्म मराज कराम है हम जिनकी हम तकलीद करते हैं इसीलिए तकलीद जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास तीन ऑप्शन है गबत में या हम खुद इतनी पढ़ाई कर ले हम खुद मुज़तहिद बन जाए कि हमें किसी की तकलीद न करनी पड़े या हम जो है एहतियात के तौर पर काम करें या हम जो है किसी मरज वक्त की किसी मुज़तहिद की तकलीद करें कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हौजे में सर्फ कर दी कुरान हदीस के बारे में जानने में और एक फतवा जो है वो हमें देते हैं इजी नहीं है फ़तवा देना ऐसा नहीं कि बोल दिया हाँ ठीक है वो स्टडी करते हैं क़ुरान मजीद क्या कहता है हदीसों में क्या मौजूद है और बहुत डिटेल में ये सब स्टडी होती है तो एक जो मरज वक्त का जो सिस्टम है जो मरााज कराम का जो हमारे यहाँ सिस्टम है जो तकलीद का सिस्टम है वो जो है इमाम जमाना शरीफ की निगरानी में है कि भले वो गईबत में है लेकिन जो हमारे हैं जो हमारे मराज कराम हैं वो इमाम जमाना शरीफ के, से के, इमाम खुद हैं के हम की तरफ से हजत है और हमारे जो है हमारी हजत है तुम पर तो इमाम की इनायत है इमाम की हदायत है इन शह किसी दिन हम स्टोरीज में जाएंगे कि किस तरह इमाम जो है इनओं की हिदायत करते इनकी जो है गाइडेंस करते हैं हम सब दुआ करें के खुदा वलिया इमाम ज़मान आज जल्ला फरजहुल शरीफ़ के जहूर में ताजील फरमाए और हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमाए कि उनका जो गोल है जब वो आएँगे तो इस दुनिया को जो है जुल्म जोर से साफ़ कर देंगे जितने भी जुल्म हो रहे हैं जितने भी जालमीन दुनिया में मौजूद है जितने भी लोग इनजस्टिस कर रहे हैं दुनिया में उन सब का इमाम ज़बान खात्मा करेंगे और जितने इनजस्टिस हुए लोगों के पास उन सबका बदला इमाम लेंगे ख़ास करके जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनजस्टिस था जो मैदान करबला में हुआ इमाम अलैहिस्सलाम आकर उसका भी जो है इमाम अलैहिस्सलाम बदला लेंगे करबला इमाम अलैहिस्सलाम ज़ियारत नहिया में खून के आंसू होते हैं खून के आंसू होते हैं इमाम अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम जो है ज़ियारत नहिया में बहुत ऐसे जुमले हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम अपना दर्द बयान करते हैं हम सिर्फ़ करबला के मसायब सुनते हैं तो हम गिरिया करते हैं हम मातम करते हैं लेकिन वो इमाम ज़मान वो, वो तो देख सकते हैं कि किस तरह करबला में जो है जुल्म हुए थे किस तरह जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने पर बर्ची लगी थी किस तरह जनाब अली अलैहिस्सलाम के गले पर तीर लगा था किस तरह खैमों में आग लगाई गई थी किस तरह इमाम हुसैन आसलम को जो है तीरों से छली किया गया था और किस तरह बाबुल हवायज अबुल फिल्बास्लात वसम के शाने कलम किए गए उनको कत्ल किया गया आज आठ मुहर्रम है मंसूब है बाबल होवायज अबल फजल अब्बास के मसाइब से इतात इमाम बाबल हवाइज से सीखनी है जब करबला में खैमे नहर फुर के पास लगे थे और यजीद आर्मी ने कहा खेम हटा दो इमाम ने हजरत अब्बास से कहा अब्बास खेम हटा दो एक लफ्ज नहीं कहा कि क्यों हजरत अब्बास ने जैसे इमाम ने कहा यस इमाम की बात मानी अल्लाह हम सब को तोफीक दे कि हम सब बाबल हवाए जबल फजल अब्बास की तरह अपने वक्त के इमाम की बात को पूरी तरह से माने बाबल हवाए जबल फजील अब्बास जब से करबला में आए तैयारी कर रहे थे कि करबला बचपन से मैंने सुना है मैं करबला के लिए तैयार हुआ हूँ खेमे जो है सात मुहर्रम से जो है पानी बंद हो गया तो इमाम की हिफाजत करना उनकी ज़िंदगी का मोटो था आशूर का दिन आया शहदा पे शहदा मैदान करबला में जाते गए हजरत अब्बास तड़पते रहे के मौला मुझे इजाज़त दीजिए मौला मुझे इजाज़त दीजिए आखिर जब सारे असहाब शहीद हो गए बनी हाशिम के सारे चिराग शहीद हो गए बुझ गए बाबल हवा जब अलफी अब्बास इमाम हुसैन आसम के पास आए और कहा कि आका मुझे जंग की इजाज़त दीजिए इमाम हुसैन ने कहा अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाज़त कैसे दे दूँ तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो यू आर दमांडर ऑफ माई फोर्सिसजरत अब्बास ने कहा मौला वो आर्मी कहाँ के जिसका मैं कमांडर हूँ वो लश्करी कहाँ के जिसका मैं सालार हूँ इमाम हुसैन ने बहुत क्रिया किया बहुत क्रिया किया और जानते थे कि अगर हजरत अब्बास को जंग की इजाजत मिल गई तो करबला का नक्शा बदल जाएगा लेकिन वो इमाम वक्त व मसले हत को जानते थे तब उन्होंने जनाब सकी की आवाज़ सुनी पानी पानी आला पानी इमाम हसैन ने कहा पास जंग की तो इजाज़त नहीं लेकिन इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो इमाम हजरत अब्बास तैयार हुए टूटा हुआ एक नज़ा लिया इमाम हुसैन आलाम ने उनके पर से जो लिखा हुआ था नसर अल्लाह लाफुन करीब उसको मिटा दिया और लिख दिया इन्ना व इना इहीई हैन बाबल हवाए जबल फजील अब्बास को गले लगाया हजरत अब्बास टूटा हुआ नेजा और मशक़ सकीना को लेकर नहर फराद की तरफ दौड़े है बात ये थी बाबल हवाए जबल फजील अब्बास की कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाबल होवाज को नहर फरात तक पहुँचने रोक सके जो फौज थी वो बट गई वो चली गई दूर चली कर बाबल हवाए जबल फजल अब्बास नहर पर पहुंचे पानी को हाथों में लिया चाह के पिए लेकिन उन्हें अपने आका अपने इमाम हुसैन स्ल्लाम की आदई पानी को फेंक दिया फिर रवायत कह दी कि हजरत अब्बास ने फिर पानी लिया तीन दिन के प्यासे थे शदीद प्यास लगी थी लेकिन फिर हजरत अब्बास ने पानी लिया फिर छोड़ दिया फिर तीसरी बार पानी लिया फिर छोड़ दिया मशक़ सकीना को बाबल हवाए जब अलफल अब्बास ने भरा और भरने के बाद हजरत अब्बास निकले कि अब इस मशक़ सकीना को जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमों तक पहुंचाया जाए जैसे ही वो बढ़ रहे थे अलम जो है नमुदार हुआ फ़ुरात ऐसा थोड़ा नीचे था जब वो ऊपर आए अलम जब नमुदार हुआ बीबी सकीना की आस हुई कि अब जो है पानी आ रहा है उन्होंने सब बच्चों को जमा किया कहा कि आओ हम जो है मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आ रहे हैं इमाम हुसैन आसमाम भीम देख कर खुश हुए अचानक देखा तो अलम जो है एक तरफ झुक गया इमाम हुसैन आसमाम ग़मगीन हो गए एक शकी पेड़ के पीछे झाड़ के पीछे छुप कर हजरत अब्बा सलाम का राइट जो है हैंड जो है काट दिया जिस पर उन्होंने को रखा था बाबल बाबा ने अलम को सँभाला मश्को सँभाला लेफ्ट हैंड से लेकिन बस ये उम्मीद थी कि खैमे तक जो है पानी पहुँच जाए उसके बाद अचानक देखा तो अलम फिर झुका एक शकी ने एक गुनहगार ने इमाम हज़रत अलैहिस्सलाम के दूसरे शानी को भी दूसरे हाथ को भी क़लम कर दिया कट कर दिया बाबल हवाए जबल अलफली अब्बास ने मशकीज़े को अपने दांतों में दबाया अलम को संभाला और बस उम्मीद थी कि जल्द से जल्द जो है पानी ख़ैमे तक पहुँच जाए बीबी सकीना तक पहुँच जाए इमाम हुसैन तक पहुँच जाए तब जो है एक मला ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के आँख में तीर मारा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की आँख जख्मी थी लेकिन हाथ नहीं थे कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी आँख से तीर निकालते हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम झुके उन्होंने चाहा कि अपने घुटनों से जो है आँखों से इस तीर को निकालें जैसे ही चाहा तब एक मलाून ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर एक ज़ोर का गुर्ज़ मारा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े पर संभल न सके ज़मीन पर आए एक दीन जो है एक बार हजरत अब्बास के मसायब बयान कर कर जब घर पहुँचे तो सैदा फ़ातिमा जहरा अलैहा जो है उनके ख्वाब में आए और इनसे कहा तुमने मेरे अब्बास के मसायब बयान नहीं किए उसने कहा बीबी मैंने सब कुछ बयान किया शहज़ादी ने कहा तुमने जो है वे एक मसायब बयान नहीं किए कि जब हर शहीद जब घोड़े से गिरा तो जो है वो अपने हाथों के बल गिरा लेकिन जब मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा तब उसके हाथ नहीं थे बाबा जबल जबलफी अब्बास ने कहा अल्लाम या क़या अब फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए हजरत अब्बास के पास पहुँचे अलैहिस्सलाम के सर को अपने ज़ानू में रखा हजरत अलैहिस्सलाम ने अपने सर को जानू से हटा दिया फिर इमाम हुसैन ने रखा हजरत अब्बास ने फिर से हटा दिया कहा भाई क्या हुआ हजरत अब्बास ने कहा कि कुछ टाइम बाद जब आप शहीद होंगे तो आपका सर किसके जानू में होगा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा मौला एक वसीयत है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो सबसे पहले मैंने आपका चेहरा देखा था अब जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़्यारत करूँ लेकिन एक आँख में तीर है एक आँख में जो है खून है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खून को साफ किया और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की रूह इस दुनिया से परवाज़ कर गई जनाब सकीीना और इमाम हुसैन आलम की आज टूट गई इमाम हसैन आसमाम ने कहा अल आन इनका सर हज हरी अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई वालम

हम सब को जो है बबल हवाए फजील अब्बास की तरह अपने इमाम की इताद की तोफ़ी अफा फ़रमा मेरे परवरदिगार इस दुनिया से इस पैंडमिक को इस कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा कि हम उसी तरह उस शान शौकत से बबल हवाय जबलफ़ल अब्बास अलम को उठा सकें और आज़ादारी कर सकें जिस तरह पहले करते थे जिन जिनके रिस्क के प्रॉब्लम है मेरे परवरदिगार उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमा जो जो हलाल हाजतें लेकर आए उन सब की हलाल हाजतों को कबूल फरमाए मेरे परवरदिगार ان شاء الله کل پھر ہم شام 5 بجے سیشن جو 9th لیکچر ان شاء الله much for واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين بر محمد و محمد صلوات اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم